गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः सः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है जीवन में आगे बढ़ने की, बढ़ते क्यों नहीं, रुकावट क्या है, इस बारे में आज चिंतन कर लेते हैं। चिंतन करते हैं तो एक ही बात समझ आती है। शास्त्र इस बात को कहता है, भौतिक संपदा त्याज घृणित और न छूने योग्य नहीं है, नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोगे जाते हैं, वे पातक नहीं होते हैं, वरन पेट भरने के साधन होते हैं। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, परमात्मा ने हमें शरीर भी दिया है और इंद्रियां भी दी हैं, पेट भी लगाया है, आवश्यकता भी लगाई है। अब इसकी आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए, भूख के कारण आदमी निरंतर काम करने में लगा रहता है और सोच से एक ऐसे चक्र में जाकर के फंस जाता है, या स्वतः अपने लिए एक ऐसा चक्र बना लेता है कि उस दायरे को वो तोड़ नहीं पाता है। मैंने ही आपसे कहा था, क्या कहा था, आदमी अपनी स्वभाव के अनुसार जो कुछ मानता है उस पर पूरी तरह से दृढ़ रहता है, मर जाएगा पर किसी की बात को मानेगा नहीं, इसी को संस्कार कहते हैं। जो चक्र मैंने भूख का बताया, पेट की भूख का नहीं कहा, भूख तो केवल पेट की है। सच को बताओ, ईमानदार हो करके बताना, तुम्हारी निजी क्या आवश्यकता है, ना तो तुम पेट हो, पेट शरीर का है, ना तुम मन हो, मन जीव का है, तुम केवल एक आत्मा हो। जीव को जिंदा रहने के लिए इंद्रियां दी गईं, शरीर को जिंदा रहने के लिए पेट दिया गया। आज आदमी निरंतर जिस काम को कर रहा है उसमें दो ही काम कर रहा है, इंद्रियों की और पेट की पूर्ति। इंद्रियों की और पेट की पूर्ति ही केवल कर रहा है, सच्चाई को देखिए और क्या कर रहा है।
इस बात से शुरू में ही कह दिया गया था कि भौतिक संपदा घृणित ना छूने योग्य नहीं है, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। अब जरूरत है तो सब चीज का संतुलन बनाने वाली चेतना आपके अंदर है। मेरा कहना मानना जो मैं कह रहा हूं, सब चीज का संतुलन बनाने वाली चेतना आपके अंदर है, पर ये इंद्रियां आपको भटका रही हैं, ये इंद्रियां आपको भटका रही हैं। आपका हक है, आपका अधिकार है, जिस परमात्मा ने पेट बनाया है वो इसकी पूर्ति करेगा, पर हमें विश्वास नहीं है। जिम्मेदारी उसी की ही है, उसी का काम करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो, उस परमात्मा की सेवा करने के लिए हम संसार में आए हैं। अब मैंने कहा निरंतरता जो काम की हमारे साथ लगी हुई है, सच को देखो, इंद्रिय भूख या पेट की भूख, इंद्रिय भूख या पेट की भूख, सिर्फ इसके लिए ही हमारी चेतना लगी हुई है। काम तो हम निरंतर कर रहे हैं, परंतु जिस काम के लिए आए थे उस काम में हमने कितना काम किया, मैंने अभी कहा उस पर हमें भरोसा नहीं है। वो किसी को दुख देता है तो उसे भी तोल करके देता है, और किसी को सुख देता है तो उसको भी तोल करके देता है। उसकी अपनी तराजू है, उसकी अपनी निजी एक तराजू है, उसमें तोल करके सबको देता है। मैं फिर से कह रहा हूं, उसे रतौंधी नहीं आती है, ना रतौंधी नहीं आती है, वो बड़ी बारीकी से हर चीज को देखता है। बस कमी एक ही चीज की है, हमारे समर्पण की, हमारे समर्पण की। मैंने अभी आपसे बताया जो निरंतरता कर्म की हमारे साथ लगी रहती है उसका एक चक्र बन गया, जिसका उसका निरंतर कार्य करने का, आगे बढ़ने का क्रम बंद ना होने पावे, उसी प्रकार से इंद्रिय भूख अन्य भूखों से मेल नहीं खाती है। इंद्रिय भूख अपनी तरह की भूख है, वो निरंतर हमारे अंदर बनी हुई रहती है। बताइए कौन कहता है काम वासना बुरा है? मानव तत्व के गंभीर जो अन्वेषक हैं, वो उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि साधारण से साधारण और विशेष से विशेष अवतार स्तर के व्यक्ति को लिए काम सेवन आवश्यक है। इसके अभाव में कुछ शरीर अनेक मानसिक रोग खड़े कर देगा। शरीर शारीरिक और मानसिक अनेक तरह के रोग खड़े हो जाएंगे। संसार भर की मृत्यु की गणना से को अगर किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा
के विवाहितों की अपेक्षा विधुर अथवा विधवा अल्पायु के होते हैं और अधिक संख्या में मरते हैं। अधिक संख्या में मरते हैं, सोच करके देखो, ये जैसे पेट की भूख एक प्राकृतिक भूख है, आवश्यकता पड़ने पर पैदा होती है, पर ये भूख एक ऐसी भूख है जो कुछ भी इसको खाने के लिए दिया जाता है ये 2 घंटे से लगा करके 72 घंटे तक में उसको पचाती है, 2 घंटे से लगाकर 72 घंटे तक उसको पचाती है। 2 घंटे से 72 घंटे क्यों बताया गया? जो प्रकृति के अनुकूल है, जो सुपाच्य है, उसको तुरंत पचा लेती है और अपनी शक्ति बना लेती है। जैसे दूध, अब उससे आगे आप कच्ची सब्जियां सलाद वगैरह लेंगे तो उन्हें 3 से 4 घंटे में पचा लेती है। आप भोजन लेंगे, रोटी सब्जी चावल आप ये लेंगे तो 5 से 6 घंटे में उसको पचा देती है। परंतु आदमी शराब भी पी लेता है, नशापत्ती कर लेता है, जानते हैं शराब 72 घंटे में जाकर के पचती है। अब यहां मैं एक बात कहूंगा, जो चीज सुपाच्य की बात मैंने कही, सुपाच्य की बात, जैसे जैसे समय पड़ता बढ़ता चला जाएगा पचाने का, वो चीज आपके लिए उतनी ही हानिकारक होने लग जाएगी। एक चीज और भी देखनी है, क्या प्रकृति ने उसको हमारे लिए बनाया है? जो मांस खाते हैं उनको कच्चा मांस भी पच जाता है, और भगवान ने उनके दोनों अगले दांत इस तरह से मुड़े हुए दिए हैं जिससे वो मांस को नोच सके, परंतु इंसान को नहीं दिए हैं। इंसान अगर अपने लिए उस चीज को खाता है जो उसके लिए भगवान ने नहीं बनाया है तो उसे हजम नहीं होगा, और क्या होगा, आत्मा उसको स्वीकार नहीं करेगी। आत्मा जिस शरीर में है, जिस स्वरूप में है, अपने लिए उस स्वरूप के अनुसार जो प्रकृति ने उसके लिए बनाया उसी को स्वीकार करेगी, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा नहीं। उसके लिए वही ग्राह्य और वही सुपाच्य है। इससे ये प्रकट होता है कि प्राकृतिक भूख को दबाने का क्या परिणाम निकलता है। आपकी जो नासिका है वो स्वच्छ वायु को पसंद करती है, अगर आप उसकी भूख को दबा दें, नाक से दबा दें, नाक को दबा दें, ना देने दें उसको, तो वो अंदर से तड़पता है अपनी भूख के लिए और स्वच्छ वायु को मांगता है। अब दूसरी तरफ कह रहा हूं, अगर गंदी वायु में से कहीं आप गुजरते हैं तो नाक को और कोई नहीं दबाता, आप ही अपनी नाक को दबा लेते हैं कि ये बदबू मेरे शरीर में ना जाए,
जिसके कारण मुझे बदबू का घाटा ना उठाना पड़े, जिसके कारण मुझे बदबू का घाटा ना उठाना पड़े, नेत्र मनोहर दृश्य देखना चाहते हैं, यदि उसकी भूख को कुचला जाए, गणित अरुचि कर दृश्य जो उसे दिखाए जाए, उसके फल भी बुरे ही भुगतने पड़ेंगे। और एक बात बता रहा हूं, संस्कार के कारण बुरे विचार आकर के आपके साथ में जुड़ जाते हैं, बुरे विचार आपके साथ में आकर के जुड़ जाते हैं। जो आपकी भूख बन जाते हैं, और भूख बनने के कारण आपकी अंतरात्मा कहती है बुरा होगा, गंदी चीज देख रहे हो, बुरा होगा, परंतु क्योंकि वो हमारे मन की भूख बन चुका होता है, उस बुराई को देखने में हमें रस आता है, हमारी इंद्रिय रस लेने लग जाती है, और रस लेने के कारण वो उसकी भूख बन जाती है। प्राकृतिक भूखों की एक ऐसी कसौटी मनुष्य के पास मौजूद है, कसौटी कहा है मैंने, और वो कसौटी और कोई नहीं, आपकी चेतना है, जिसकी सहायता से आप आसानी से ये जान सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या ईश्वरीय आज्ञा है और क्या ईश्वरीय आज्ञा नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, क्या आप ईश्वर का कहना मानेंगे नहीं? गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने एक बात कही थी कि सतयुग कैसा होगा, कलयुग में आदमी स्वार्थ के, लोभ के, भोग के, इंद्रिय जन सुखों के कार्यों को करने में अपनी जिंदगी निकाल देता है, क्योंकि ये भूख ऐसी है जो कभी कम नहीं होती। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, पेट्रोल से भरी हुई अगर कोई डब्बा रखा हो और आग लग गई हो, आदमी उसको पानी मान करके और उस पर फेंक दे तो आग बुझेगी नहीं और भड़केगी, ईंधन तो जलेगा ही जलेगा, पेट्रोल की और उसे वो मिल गई, सहायता मिल गई, और जल्दी और तेजी से जलेगा। अब मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति उसी चीज से करना चाहते हैं जिसको आत्मा छोड़ने के लिए कहती है। एक बच्चा है गंगा विहार का, शराब पीता है, मैंने उसको समझाया, बेटा हमारे पास दवाई है, हम तुम्हारी शराब छुटा देंगे। पहले उसकी पत्नी ने मेरे से कहा कि वो मर जाएगा, छोड़ेगा नहीं। हां, छोड़ने वाला अगर नहीं छोड़ना चाहता, भगवान भी आकर के उसको कुछ दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे नहीं छूटेगी। परंतु छोड़ने वाला ये कहे कि मेरे में ये कमी आ गई, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं,
ये कमी है, मैं इसको नहीं रखना चाहता, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, तो उसकी सहायता करके उसको छुटाया जा सकता है। चलिए मूल बात पर आते हैं। मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन उसे समझाया, बात उसकी समझ आई और उसने स्वीकार किया कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा तो छोड़ो। उसने कहा मेरे कुछ ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं 26 तारीख तक कि तब तक मुझे इसे लेना पड़ेगा। तो अब वो आवश्यकता बन गई। वह आवश्यकता नहीं है, उसकी कमजोरी है। आवश्यकता तो ईश्वर है, वो उसकी कमजोरी है, इंद्रिय कमजोरी है। उसने कहा जी मेरी पार्टी आएंगी बाहर से और मुझे उन्हें पिलाना होगा। पहली बात तो किसी को ये चीज परसना भी बुरा है, जो अपने को नुकसान करता है। हमारी संस्कृति इस बात को कहती है आने वाले अतिथि का हम चरम सीमा पर सत्कार करते थे, हमारी संस्कृति कहती है। परंतु उस संस्कार संस्कृति का रूप चाय ने ले लिया। बहुत अच्छे से समझना, अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे यहां रही है। अतिथि को देवता मान करके जो भी घर में अच्छे से अच्छा हो, देवता को तो अच्छे से अच्छा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो अतिथि को देवता मान करके हम उसको दूध पिलाते थे, भोजन कराते थे। परंतु विचार में कमी आ गई। पानी में चाय की पत्ती डालिए और थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, दूध तो डल रहा है पर जहर में डल रहा है। और वो परंपरा इतनी तेजी से विकसित हो गई कि आज उसने इज्जत का रूप धारण कर लिया है। कोई कहीं जाता है तो ये कहते हैं चाय पानी पिलाओ, या ये कहता है मेरी बेइज्जती कर दी, चाय पानी की भी नहीं पूछी। अर्थात वो चीज अब नाक का विषय बन गई है, नाक का विषय, इज्जत का विषय बन गई है। अब भूख वो तन की, मैंने कहा भूख दो ही है, या तो पेट की भूख है या इंद्रियों की भूख है। परंतु ये भूख ना तो पेट की है, बताइए निकोटिन को शरीर चाहता है क्या? 1 किलो चाय की पत्ती में इतनी निकोटिन होती है, अगर उस निकोटिन को निकाल करके हाथी को खिला दी जाए तो 10 मिनट में हाथी मर जाएगा। हाथी इसलिए बोला, सबसे बड़ा शरीर है दुनिया का, वो उसको हजम नहीं कर पाएगा। और हम आज तक कितने किलो चाय की पत्ती पी चुके हैं, हमारा भी कुछ बिगड़ा नहीं है। परंतु मैं ये पूछ रहा हूं, धीरे धीरे निरंतर करते हुए क्या हम बुराया, वो बुरा हमारा नहीं करती जा रही? मेरा मतलब क्या है, हमें बुराई को अपने जीवन से निकालते चले जाना। अतिथि देवो भव का मतलब इसलिए ही था कि हम अपने को जो दें, अतिथि को अपने से ज्यादा सम्मान दें। जिसके आप, जो आपका अतिथि है, आप भी उसके अतिथि हैं, आप उसको अपने से ज्यादा सम्मान दे रहे हैं तो वो भी आपको अपने से ज्यादा सम्मान देगा। भोग के लिए नहीं गया था वो,
आपके पास आया था तो भोग के। हमारी संस्कृति कहती है इस बात को, क्या करती है बताइए, ठंडा लाऊं गरम लाऊं, क्या लेंगे आप, उसकी इच्छा जानना चाहती है और उसकी पूर्ति करना चाहती है। परंतु सामने वाले का सिद्धांत नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकर के आया हूं। वहां भी त्याग है, यहां भी त्याग है। यहां का त्याग कहता है मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आपको कुछ खिलाऊं ना। अब वो खिलाऊं के चक्कर में हमारी जो इंद्रियां हैं वो भटक गई, और भटक जाने के कारण अब मांग ही मांग करती रहती हैं। इंद्रियों की अपनी भूख, अपनी मांग पैदा हो गई है। धर्म शास्त्रों में इसी के रोकने को अंकुश कहते हैं। अब ये अंकुश कहां लगाया जाए? अपनी इंद्री पर लगाया जाए, विचार पर लगाया जाए, विचार पर लगाया जाए। अगर विचार पर हमने अंकुश लगा दिया, इंद्री जो क्रियाशील होती है वो भोग से नहीं विचार से होती है, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, सृष्टि के संचालन के लिए भोग भी एक कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है। परंतु यही चीज जब इंद्रिय भूख बन जाती है तो हर पुरुष जब इसके अधीन हो जाता है, अपने नजदीकी से नजदीकी रिश्ते की भी लाज नहीं रखता है, उसके प्रति भी कामुकता की भावना पैदा हो जाती है। ये स्वाभाविक है, ये होता नहीं है, स्वभाव में आ जाता है। और स्वभाव में आ जाने के कारण आदमी गलत काम करने पर उतारू हो जाता है, अन्यथा स्वाभाविक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कोई बुरा नहीं है। छोटे मोटे आकर्षण जो सामने आते हैं उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से अगर व्यक्ति उद्योग करे तो उसमें कोई हानि नहीं है। लाभ शारीरिक भी हैं और आत्मिक भी हैं। सच को देखो, क्या आप उन्नति करना चाहते हैं? मेरा सवाल है। अगर चाहते हैं तो अपने जीवन को मूल मंत्र बना दीजिए। मैं और किसी को नहीं कह रहा, अपने जीवन को ही मूल मंत्र बना दीजिए। ज्ञान को अधिक बढ़ाइए, शरीर को स्वस्थ बलवान और सुंदर बनाइए। अरे बन जाएगा, उस दिशा में तो चलिए, उस दिशा में तो चलिए। चलने से मतलब क्या हुआ? जो इंद्रिय जन्य अनियमितताएं हमारे जीवन में स्वभाव में आकर के घुस गई हैं, उनको हमें अपनी चेतना से बाहर निकालना होगा। अपनी चेतना से उनको हमको बाहर करना होगा। उद्योगपति उद्योग करते हैं और अनेक कर्मचारी उसमें नियुक्त कर लेते हैं, कर्मचारी अधिकारी उसमें नियुक्त कर लेते हैं अपने काम के अनुसार। अपने आप आज्ञा देते रहते हैं
और जो कर्मचारी हैं वो उनके काम करते रहते हैं। अरे मालिक साहब, आपके कर्मचारी आपकी इंद्रियां हैं, आप उनसे कर्म को करवाइए, आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, आपका शरीर सुंदर भी बनेगा, आप बलवान भी बनेंगे। परंतु हम दीनता को पकड़ चुके हैं, दीनता तक पहुंच चुके हैं, और दीनता तक पहुंच जाने के कारण भटकाव हमारी जिंदगी में आ गया है। मैं तो आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूं, उद्योग करने वाले का प्रतिष्ठा बढ़ती है, ऊंचे पद पर चढ़ता है, मित्र और स्नेही की संख्या बढ़ती है, पुरुष संचय करता है सद्गुणों का और परिपूर्ण हो जाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, बुद्धि को तीव्र करो, अपने अनुभव को बढ़ाओ, अपने विवेक को जागृत करो। बढ़ना और बढ़ाना और आगे बढ़ना यात्री का काम होता है, यात्रा में चलता है, यात्री का काम होता है। क्या आपको नहीं पता, आप भी जीवन की यात्रा में हैं। ये यात्रा एक दिन पूरी होगी, कहां पूरी होगी, जहां मृत्यु होगी। अब याद रखना यात्री, समय तो चल रहा है, अगर आप समय के साथ चल रहे हैं तो मृत्यु के आने से पहले मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वरना जिस तरह से फल ला करके, सब्जी ला करके आप उसको खा जाते हैं, मृत्यु भी आपको खा जाएगी। बहुत अच्छे से जान लें, समय के साथ आपको अपनी उन्नति उद्योग करना होगा। जो भटकाव है उसको रोकना होगा। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान आपको क्या आज्ञा दे रहा है? ईश्वर की आज्ञा है या नहीं आपके लिए कोई? अगर है तो उसको मानिए। ईश्वर की आज्ञा को मानिए। एक बात और कह रहा हूं, इंसान कुछ करे ना करे एक काम तो कर ही ले। ऐसा एक मध्यम मार्ग निकाल ले जिसमें संसार का नियम भी ना टूटे और आत्मा का उद्धार भी हो जाए। किसी भी काम की अति से व्यक्ति भटक जाता है, किसी भी कार्य की अति करने से व्यक्ति भटक जाता है। जितने शास्त्र बने हैं वो इसी काम के लिए बने हैं, इन बुराइयों को रोकने के लिए ही बने हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए बने हैं। अन्यथा स्वाभाविक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। छोटे मोटे आकर्षण जो सामने आते हैं उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से निश्चित रूप से आदमी को उद्योग करना चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं है। लाभ शारीरिक भी है और आत्मिक भी है।
इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उन्नति करना अपना जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। अभी कहा था ना, अपने जीवन को मूल मंत्र बना लीजिए, इसी को जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। ज्ञान को अधिक बढ़ाएं, शरीर को स्वस्थ और बलवान सुंदर बनाएं, उसकी दिशा में चलने के लिए अधिक से अधिक प्रगति करते चले जाएं। हजूर आप ही बताएं, आप प्रतिष्ठावान होंगे या नहीं होंगे, आप ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अपने फॉलोअर बनाइए, कुछ ऐसे काम करिए कि दुनिया आपके कर्म का अनुसरण करे। अपने फॉलोअर बनाओ। मैं फिर से पूछ रहा हूं, बुरा करने वाले क्या अपने फॉलोवर नहीं बनाते? क्या वो अकेले उस काम को कर लेते हैं? बुरा करने के लिए भी साथ चाहिए, बुराई का साथ चाहिए, अच्छा करने के लिए भी अच्छाई का साथ चाहिए। तो क्या आपको अपने साथी नहीं बनाने? मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी आत्मा को आगे बढ़ाएं, ऊंचा उठाएं, समय के साथ साथ आप चलते चले जाएं, जो काम पूर्णता तक पहुंच जाए उससे आगे की यात्रा को जारी रखें। एक ही चीज को बार बार दोहराएं ना। पेट को रोज भूख लगती है, दिन में दो चार बार रोज खाता है, रोज उसका ये क्रम चलता रहता है, खाता रहता है और मल निकालता रहता है। दूसरे शब्दों में कहूं, जो उसके लिए कितना कीमती है और खा लेने के बाद पेट में जाकर के वही मल बन जाता है। मैंने शुरू में कहा था, बुराई से अपने आप, बदबू से आदमी अपने आप अपनी नाक को बंद कर लेता है, ऐसे ही बुराई से हम अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाएं कि बुरा नहीं करना। अपने को असमर्थ, असक्त, असहाय मत समझिए। ऐसे विचारों का बिल्कुल जड़मूल से परित्याग कर दीजिए। साधनों के अभाव में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? याद रखना, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, भावना में है। यदि आपकी आकांक्षा आगे बढ़ने के लिए आपको अंदर से व्याग्र कर रही हो किसी बुराई को छोड़ने के लिए, वो अंदर से तीस पैदा कर रही हो, जो गलत है उसको स्वीकार कर रही हो, तो अंततः उसका केवल एक ही रास्ता निकल करके आता है। आत्मा चीत्कार कर रही है कि बुराई को छोड़ा जाए, ये टीस बन जाए हमारी। उन्नति करने की इच्छा तीव्र बलवती होती चली जाए, जितनी इच्छा बलवती होती चली जाएगी, मैंने इच्छा ही बोला है, परंतु वो जीवन के क्षेत्र में है। इसलिए जीवन के क्षेत्र में उसको तीव्र होने दें। विश्वास रखिए, मेरा कहना मानिए, साधन आपको प्राप्त हो करके ही रहेंगे। ईश्वर उन लोगों की पीठ पर वरद हाथ रख करके रखता है जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं।
मैंने इस चीज को देखा है, जो ईश्वर को देता है आज तक ईश्वर ने किसी का लेकर के पचाया नहीं है। जितना देता है आपको, शरीर को जितना देते हैं, सवेरे मल बन करके, गंदगी बन करके निकल जाता है, पर ईश्वर को दिया हुआ कभी गंदा नहीं होता, इसलिए वो गंदगी बन करके नहीं निकलता। ईश्वर का एक सिद्धांत और भी है, बीज बना करके आप उसे एक दाना देंगे तो उसके सैकड़ों दाने बना करके आपको लौटा देगा। इसलिए हिम्मत कीजिए, पिता आपकी प्रीतनशीलता बहादुरी की आकांक्षा को पसंद करता है और वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें। आप चाहे तामसी ही क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से आपको बढ़ने में आपकी मदद करेगा। समय आज का पूरा हो चुका है, इसलिए वाणी को विराम दिया जा रहा है। याद रखना, एक बात कहकर के अतिथि देवो की बात मैंने कही, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर जिससे लेता है वो भावनाशील होता है, हर किसी से नहीं लेता, भावनाशील से लेता है। और दुनिया का अगर काम चलता है तो उन भावनाशीलों से ही चलता है। इसलिए भावनाशील हुई है, ईश्वर को दीजिए। अतिथि देवो भव, बुराई नहीं, अपनी अच्छाई दीजिए। कितने बढ़ते चले जाओगे देखते चले जाना। आज की बात समाप्त, कल फिर आएंगे।